अगर तुम भी इन सभी की तरह एनिमेशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मैं इंट्रोवर्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे खुद के कैरेक्टर की। तुम में से आधे से ज़्यादा लोगों का कैरेक्टर तो बस किसी न किसी पॉपुलर यूट्यूबर का कॉपी है, पर आज तुम जानने वाले हो तुम अपना खुद का ओरिजिनल कैरेक्टर कैसे बना सकते हो। और अपना खुद का कैरेक्टर बनाने के मेनली 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है एक बेसिक आइडिया। तुम्हारे माइंड में अपने कैरेक्टर का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि तुम उसे किस तरह का बनाना चाहते हो। जैसे उसका जेंडर क्या है, वो एक मेल है या फीमेल। दूसरा, उसकी एज क्या है, वो एक 5-7 साल का छोटा सा बच्चा है, एक 20-21 साल का जवान आदमी है या एक 60 साल का बुढ़ा है। तीसरा, उसकी बॉडी किस टाइप की है, वो एक एवरेज सा नॉर्मल लुकिंग आदमी है या वो एक बॉडी बिल्डर है, या फिर वो सुबह शाम जंक ठूसने वाले एक आदमी है, या फिर वो अपनी जिंदगी के फुल ऑन मजे ले रहा है। ये सारी चीजें पता करने के बाद अगर तुम अभी ही अपना कैरेक्टर बनाना शुरू कर दोगे, देन देयर इज अ हाई चांस कि वो कुछ इस तरह का लगेगा। इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट आता है, गैदर सम रेफरेंसेस। देखो, रेफरेंस लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम किसी का आर्टवर्क उठाओ और उसे ट्रेस करके छाप दो। नहीं, ये रेफरेंस लेने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। इंस्टेड, रेफरेंस लेने का मतलब होता है किसी भी आर्टवर्क को बनाने का मेथड समझना और फिर उस मेथड को अपनी ड्राइंग में यूज करना, ना कि किसी की पूरी मेहनत को उठा के उसे अपनी क्रिएशन बोल देना। तो रेफरेंस ढूंढने के लिए जिन वेबसाइट्स का मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, उनका नाम है पिंटरेस्ट और गूगल। दोनों में ही तुम्हें करोड़ों आइडियाज मिल जाएंगे, पर मैं पर्सनली पिंटरेस्ट को ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि उसका एल्गोरिदम और यूजर इंटरफेस मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। बस तुम्हें इसमें कैरेक्टर डिजाइन सर्च करना है और जो भी आइडियाज तुम्हें पसंद है उनको डाउनलोड कर लेना है। अब तुम्हें अपने कैरेक्टर का एक बेसिक आइडिया भी हो गया और तुमने कुछ रेफरेंसेस भी इकट्ठे करे, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें वो किस स्टाइल में बनाना है। इसीलिए हमारा अगला पॉइंट आता है, वैरायटी इन कैरेक्टर डिजाइन। कैरेक्टर डिजाइनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके तुम्हें हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और इसीलिए कैरेक्टर डिजाइनिंग का एक थंब रूल है कि तुम्हारा कैरेक्टर जितना ज्यादा यूनिक होगा उसको भीड़ में पहचानने में उतनी ही आसानी होगी। पर कैरेक्टर को यूनिक बनाने के मतलब उसको अनशन चीजें पहनाना या उसको रंग बिरंगा कर देना नहीं होता है। एक कैरेक्टर को यूनिक बनाता है उसका सिलोवेट। अब ये सिलोवेट क्या है? सिलोवेट का सिंपल मतलब होता है अगर तुम्हारे कैरेक्टर को कंप्लीट ब्लैक पेंट कर दिया जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। और जितने भी पॉपुलर आइकॉनिक कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तुम उन्हें बस उनका सिलोवेट देख के ही पहचान सकते हो। जैसे अगर तुमने इन्हें देखा है तो तुम्हें अब तक पता लग गया होगा कि ये डोरेमोन है, ये मिक्की माउस और ये पोपाय द सेलर मैन। पर वहीं अगर एनिमे की बात करें तो उनके कैरेक्टर को उनके सिलोवेट से पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी एक जैसे ही दिखते हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी एनिमे के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें तुम बस उनके सिलेवेट देख के पहचान सकते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट। किसी भी जेनेरिक सिलेवेट को बढ़िया बनाने के लिए तुम्हें बस उसमें कुछ उसे रेलेवेंट चीजें ऐड करनी है और उसको एग्जैजरेट कर देना है। इसके बारे में और डिटेल में मैंने वीडियो में आगे बताया है। अगर तुमने वन पंच मैन देखी है तो तुम्हें पता ही होगा ये अंडे जैसी शक्ल वाले आदमी का नाम साइतामा है। और क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी साइतामा को गुस्सा आता है या उसको किसी से लड़ाई करनी होती है तो उसका चेहरा अक्सर ही कुछ इस तरह का हो जाता है? तुम्हें क्या लगता है, ओपीएम के क्रिएटर्स के मन में बस चुल उठी इसीलिए उन्होंने ऐसा करा? नहीं। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये कैरेक्टर डिजाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं शेप लैंग्वेज। शेप लैंग्वेज हमें ये बताती है कि हर एक शेप एक अलग तरह की पर्सनालिटी को शो करती है। जैसे सर्कल इंडिकेट करता है खुश, क्यूट और सॉफ्ट पर्सनालिटी को, जैसे डोरेमोन, मिकी माउस, पावरपफ गर्ल्स, सिम्पसन और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह से एक रेक्टेंगल या स्क्वायर रेफर करता है एक ठोस, मजबूत और भरोसेमंद कैरेक्टर को, जैसे फर्ब, स्पॉन्जबॉब और कार्ल अंकल। और ट्राइंगल शेप का मतलब होता है नुकीला, खतरनाक और डायनामिक, जैसे बैटमैन, जॉनी ब्रावो, सोनिक, स्पाइडरमैन और एंग्री साइतामा। अब समझ में आया साइतामा का चेहरा बार बार क्यों बदल जाता है? क्योंकि सर्कुलर शेप रेफर करती है एक हैप्पी या नॉर्मल पर्सनालिटी को और ट्राइंगुलर शेप रेफर करती है एक एंग्री और डायनामिक कैरेक्टर को। देखो, किसी भी नॉर्मल इंसान की बॉडी कभी भी पूरी तरह से एक ही शेप की नहीं होती है, इसीलिए तुम्हारा कैरेक्टर भी ना तो पूरी तरह से एक ही शेप का होना चाहिए और ना ही उसमें दुनिया भर की शेप्स हो। इसीलिए पर्सनली मुझे जो करना पसंद है वो ये है कि मैं टॉर्सो, लेग्स और मुंह को सेम शेप का रखने की कोशिश करता हूँ, और जो भी मुझे शेप्स में वेरिएशन ऐड करनी है वो मैं बाकी चीज़ों में ऐड करता हूँ। इन पॉइंट्स की मदद से तुम अपना खुद का कैरेक्टर बना सकते हो। पर एक चीज है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है क्रिएटिविटी। वी ऑल नो हम सभी क्रिएटिव हैं, पर कई बार हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और हमें समझ में नहीं आता कि हमारी क्रिएटिविटी को बाहर कैसे निकालें। तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ कॉन्फिडेंस पाने के लिए तुम सुन सकते हो क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, अनलीशिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल विद इन अस ऑल। ये बुक समरी अवेलेबल है कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां तुम्हें 4000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मिलेंगे, और ये सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं बल्कि कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मैं खुद इस ऐप का इस्तेमाल काफी टाइम से कर रहा हूं और इस बुक ने सच में मुझे हेल्प करी है मेरा क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। इसके ऑडियो शोज काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हैं, और मैं चाहता हूं तुम भी अपनी नॉलेज के साथ अपना क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूं मेरा स्पेशल कूपन कोड GAR50, जिसे अप्लाई करके तुम्हें सीधा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी एक तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन पहले से ही 399 है,
ऊपर से मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करने वाले पहले 250 लोगों को ये सिर्फ 199 का मिलेगा। तो अभी इसे डाउनलोड करो, सुनो मोटिवेटिंग और नॉलेजेबल स्टोरीज ओनली ऑन कुकू FM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आता है कैरेक्टर डिजाइनिंग प्रोसेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है एग्जैजरेशन। तो एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके एक्चुअल साइज या शेप से ज्यादा बड़ा या अजीब बना देना। इस कॉन्सेप्ट का कैरेक्टर डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी होता है तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बट कार्टून और एनिमे में इसको एग्जैजरेट करके कुछ इस तरह से बना दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार में ही देख के पहचान लेते हैं। तो ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है एग्जैजरेशन। जैसे अभी तुम्हारे सामने ये जो कैरेक्टर है, तुम इसे देख के इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाओगे, पर वहीं अगर मैं इसको थोड़ा एग्जैजरेट कर दूं तो तुम्हें तुरंत इसकी पर्सनैलिटी का आइडिया लग जाता है। एनिमे के कैरेक्टर्स ज्यादा नेचुरल और रियल लाइफ से सिमिलर होते हैं, वहीं डिज्नी के कार्टून कैरेक्टर्स ज्यादा एग्जैजरेटेड और वर्सटाइल होते हैं। कैरेक्टर डिजाइनिंग काफी बड़ा और सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को एनिमे के कैरेक्टर ज्यादा पसंद आए, वहीं कुछ लोगों को वेस्टर्न कार्टून के कैरेक्टर ज्यादा पसंद आए। अब देखो, यूट्यूब पे तुम्हें जितने भी एनिमेटर्स के कैरेक्टर दिखाई देंगे वो ना ही डिज्नी जैसे ओवर एग्जैजरेटेड हैं और ना ही एनिमे जैसे जेनेरिक हैं। इन सभी के कैरेक्टर समवेयर इन द मिडल स्टैंड करते हैं, और मेरी मानो तो तुम्हारा कैरेक्टर भी कुछ इसी तरह का ही होना चाहिए। जैसे अगर हम आरजी के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसकी फेस की शेप एक ओवल है, जो कि मैंने बताया था हैप्पी और सॉफ्टनेस जैसी चीजों को रेफर करती है, और उसके हेयर्स शार्प और एंगुलर हैं, जो कि डायनामिक और स्पीड जैसी चीजों को शो करते हैं। बट अनलाइक आरजी, नोटोटाइप ने फेस और बाल दोनों के लिए ही सेम शेप का इस्तेमाल करा है। अब बात आती है, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम समझ तो गए, पर इसे एक्चुअल में अप्लाई कैसे करें, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि वो वीडियो तुम मिस ना कर पाओ। और हाँ, कुकू FM को भी डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं वीडियो के रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूं।